किसान आंदोलन कमेटी ने केंद्र सरकार से इल्जाम लाए ने कि खेती के डेयरी उद्योग नू फिलहाल आरसीईपी के समझौते तो दूर रखो, किसानों को खत्म करने की योजना बना रही है सरकार। किसान ये गल कर रहे हैं, बाहरी कंपनियों वालों किसानी कितियां ते कब्जा करने की भी तैयारी की जा रही है। किसानों के इल्जाम ने ते सरकार की विदेशी कंपनियों के नाल साथ दी भी गल कर रहे हैं। किसान कई चीज़ों लैके गुस्से च है गए ने। जो बाहर की ऑस्ट्रेलियन डेयरी है, जापान है, चाइना जो है, जो बड़ी बड़ी डेयरी वहाँ की है, उनका एक भारत सरकार एक समझौता कर रही है। और अगर दूध बाहर से यहाँ पाएगा तो हमारा हिंदुस्तान का जो किसान है वो पूर्ण रूप से बर्बाद होगा, उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आज ही किसान पूर्ण रूप से बर्बाद है, जो उसका पशु का जो चारा आता है वो महंगा है, उसको जो दाना चना ये डालते हैं, फल डालते हैं, वो महंगी है। तो आज ही किसान पूर्ण रूप से घाटे में जा रहा है। उसका जो दूध है उस हिसाब से उसका रेट नहीं मिल पाता। अगर बाहर का दूध आएगा तो उससे किसान पूर्ण रूप से बर्बाद होगा। ये एक सरकारों की साजिश है और हम इसका पुरजोर किसान इसका विरोध करेंगे। खन्ना च एक बच्चे ने अगवा करने की गल अफवाह साबित हुई है। पुलिस के मुताबिक बच्चे ने अगवा करने की सीसीटीवी तस्वीर फर्जी सन। पुलिस ने लोगों को फिलहाल अफवाह तो सतर्क रहने की अपील की है। कल खबर लगी है कि वेद जिहड़ा इन्होंने लिखा कि जी वो वैन सी वैन के कोशिश की, उसके बच्चे बैठे सीगे, किसी ने रोक के उसू मतलब ड्राइवर के नाल कोशिश की कि भी उसू अगवा करता सी, लेकिन ये सारी कहानी झूठी सी। ये संबंधी जोड़े लड़के से जोड़ा ड्राइवर सीगा आपस के पिछली रंजिश चलती सी, रंजिश करके ही उन्होंने आपस के टकरा गए, तो ड्राइवर के नाल हथोफाई हो लगे सी। तो वो चारे लड़के है जोड़े आपस के लड़े से उन्हें दिन भी, तो उन्होंने तो यह गल स्पष्ट हुई है कि वो साड़ी आपस के थोड़ी पिछली एक दूसरे नाल रंजबाजी चलती।